ओरिजिन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो हम पहले बात करेंगे बायोटिक रिसोर्सेज की। बायोटिक रिसोर्सेज होते क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हमारा लिथोस्फीयर, एटमोसफियर, हाइड्रोस्फीयर, इन सब की कम्बिनेशन से जो बनता है दैट्स नोन एज बायोस्फीयर एंड इट कंटेन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इन बायोस्फीयर देर इज अ हार्मोनी बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। दैट मीन्स द लाइफ दैट एग्जिस्ट्स ऑन अर्थ विच इंक्लूड्स द ह्यूमन बींग्स, इट इंक्लूड्स द फ्लोरा एंड फौना, द प्लांट्स एंड एनिमल्स, द फिशरीज, द लाइव स्टॉक एटसेट्रा, दीज आर ऑल इंक्लूड इन द बायोटिक रिसोर्स। ठीक है, दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, हम आगे चलेंगे। इसके बाद है एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, द नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट लिविंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रॉक्स एंड द मेटल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायो, एज यू नो दैट बायो मीन्स लिविंग एंड एबायो इट मीन्स नॉन लिविंग। Biotic resources are those resources which are obtained from the living organisms and abiotic are those which are non-living. इसके बाद हम आगे चलेंगे। On the basis of renewability, the resources can be classified as renewable and non-renewable resources. This is a very important classification of resources based on the renewability. पहले मैं आपको बताऊंगा renewable resource होता क्या है। Renewable resources are those resources that can be renewed, जिनको हम renew कर सकते हैं, replenish कर सकते हैं, reproduce कर सकते हैं, either by physical or by mechanical or chemical means. ठीक है, so renewable resources क्या होते हैं? ऐसे resources जिनको हम renew, replenish और reproduce कर सकते हैं by various processes. तो renewable resources में हम देखते हैं that there are two subtypes of these renewable resources. The first subtype is the continuous resources or the flow resources or the perpetual resources. So, continuous or flow resources are the renewable resources which are available continuously. So, ये ऐसे renewable resources हैं जो continuously available होते हैं और इनकी quantity affect नहीं होती है by human consumption. ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको. For example, solar energy, wind energy, water एटसेट्रा। हम कितनी भी सोलर एनर्जी यूज करें, द सोलर एनर्जी इट विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड। सो द सोलर एनर्जी इट इज कंटिन्यूअसली अवेलेबल एंड इट्स क्वांटिटी इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन कंजप्शन। सो द सोलर एनर्जी इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बिकॉज द नेचर इट्स सेल्फ रिन्यूज इट एंड दीज कंटिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज दे आर इन जनरल इनएग्जॉस्टेबल। ये आपको याद रखना है। पहले आप ये याद रखेंगे द रिन्यूएबल रिसोर्सेज दे आर नॉट ऑलवेज इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, सो ओनली द कंटिन्यूअस रिसोर्सेज और द फ्लो रिसोर्सेज और द परपेचुअल रिसोर्सेज दे आर इनएग्जॉस्टेबल। दैट मीन्स दे विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड। ठीक है, सोलर एनर्जी कभी एग्जॉस्ट नहीं होगी, विंड एनर्जी और वाटर रिसोर्स दे विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड। ठीक है, सो द कंटिन्यूअस और फ्लो रिसोर्सेज दे आर इनएग्जॉस्टेबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल हमारे फॉरेस्ट्स हैं एंड वाइल्ड लाइफ है। सो फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट इज अंडरस्टूड बिकॉज दे कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बिकॉज आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव अ सर्टन रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। आवर फॉरेस्ट्स दे हैव, ठीक है, उनका एक लाइफ स्पान होता है। दे रिप्रोड्यूस एक प्लांट, इट प्रोड्यूसेस सीड्स एंड इट प्रोड्यूसेस मेनी प्लांट्स। लाइकवाइज द वाइल्ड एनिमल्स दे रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग्स। सो ये कंटिन्यूअसली खुद को रिप्लेनिश करते रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। सो दे आर रिन्यूएबल रिसोर्स बट दे आर इन जनरल एग्जॉस्टेबल। कैसे? इफ वी यूज फॉरेस्ट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आवर रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज मोर देन द रेट ऑफ एफॉरेस्टेशन, उससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा दीज फॉरेस्ट्स विल गेट एग्जॉस्टेड। सो फॉरेस्ट्स दे आर रिन्यूएबल, देयर इज नो डाउट इन दैट। The forest resource it is renewable resource, but they are also exhaustible. That at some point of time, if the rate of deforestation exceeds the rate of afforestation, the forest wealth will get exhausted. Likewise, if the rate of reproduction of wild animals it is less as compared to the rate of hunting and poaching of wild animals, if we keep on killing the wild animals, जो उनकी rate of reproduction है वो तो same रहेगी, but if the rate of killing of the wild animals is more than that, एक टाइम ऐसा आएगा दैट द वाइल्ड लाइफ रिसोर्स
get exhausted. So wildlife resource, it is a biological resource and it is a renewable resource, but at the same time it is also exhaustible. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. उसके बाद हम चलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू नहीं हो सकते, जो रेप्लेनिश नहीं हो सकते, जो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन. सो सालों लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. और जो इनकी रेट ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि वो बहुत स्लो है as compared the rate at which we consume these resources, so since their rate of formation is extremely slow, they cannot be replenished once they are depleted. to jo non renewable resources hain, inme se kuch aise resources hain jo hamare nature mein paaye jaate hain, hum inko use karte hain, but their quantity is limited. theek hai, hamare nature jinko hum recycle kar sakte hain, theek hai, we use it and then recycle it and use it again, these are known as recyclable resources. So recyclable resources are the non renewable resources which can be recycled, for example hamare metals. theek hai, the metal, there are non recyclable resources. these are the resources which cannot be recycled, they are non renewable and they can they for example the fossil fuels, the fossil fuels for example coal and petroleum, hum inko use karte hain, once they are depleted we cannot recycle them, ये कंज्यूम हो जाते हैं इन द प्रोसेस, रिसाइकलेबल होते हैं. उसके बाद आगे चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड एज इंडिविजुअल